गाइस, आज मैं नरेशन का पार्ट नंबर 7 लेकर के मौजूद हूँ। अब तक मैंने अपने चैनल पर नरेशन का 6 वीडियो अपलोड कर दिया है, यह 7वां है। यदि अभी तक आप उन्हें नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज को जरूर देख लें ताकि आपका नरेशन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे और आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। स्टूडेंट, मेरे चैनल पर 9, 10, 11 और 12 का टेक्स्ट बुक के साथ ही साथ इसका जो ग्रामर पार्ट है वहाँ का भी वीडियो मौजूद है। यदि आप देखना चाहते हैं तो मैंने सबका एक एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको जो भी पढ़ना है आप वहां से पढ़ सकते हैं। कई छात्रों का यह कमेंट्स मिला है कि सर आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कौन से क्लास का पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको जो पढ़ना है आप एक एक पढ़ सकते हैं। मैंने आपके सिलेबस का जो सेक्शन ए पार्ट है लगभग सभी पढ़ा करके समाप्त कर दिया है, वहां से आप वीडियोज देख सकते हैं। अगर आपको कहीं समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, 12 घंटे के अंदर उस टॉपिक पर वीडियो आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, नरेशन क्या जो आज हमारा टॉपिक है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में नरेशन के जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसका दो पार्ट्स होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमारा असर्टिव सेंटेंस हो तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुल 5 प्रकार के परिवर्तन करते हैं, चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसमें यह होता है कि यदि सेट के बाद टू है अर्थात ऑब्जेक्ट है यहाँ दिया हुआ है तो सेट टू को टोल्ड बदल देंगे और नहीं तो सेट सेट ही रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ लगाएंगे यूज ऑफ कनेक्टिव असर्टिव सेंटेंस में, कनेक्टिव दैट लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है चेंज इन पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के, यदि सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज करेंगे। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू और यू सेकेंड पर्सन होता है, ही सी इट और दे थर्ड पर्सन होता है। नेक्स्ट हमारा होता है चेंज इन टेंस, टेंस में परिवर्तन, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देते हैं। नेक्स्ट हमारा है अदर चेंजेज, अन्य परिवर्तन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा वर्ड हो जो नजदीकी को बताता हो, जैसे दिस तो दिस का दैट हो जाएगा, दीज दिस का दोज होगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, तो हम बदल देंगे। बट आज हम यह बात करने जा रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि हमारे मॉडल्स आए हों, मॉडल वर्ब्स हों, मॉडल में देखा क्या क्या होता है, शैल, शुड, वेल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, नीड और डेयर के साथ यूज टू, अर्थात इतने होते हैं। अगर इतने आए हो तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सिर्फ सेल का सूट, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट कर देंगे, बाकी जो हमारे बच जा रहे हैं सूट, वुड, कुड, माइट, मस्ट, आर्ट, नीड, डेयर, यूज्ड, इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात ये हम परिवर्तन नहीं करेंगे। मैं आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाते समय बता दिया है कि सेल का सूट, विल का वुड होता है, कैन का कुड, मे का माइट होता है, ये टॉपिक भी मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन यह मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पर लिख दिया है। एक बार आप पुनः देख लें ताकि आपका क्लियर हो जाए। द फार्मर सेड टू हिज सन, आई शैल गिव यू अ बुक टुमारो। स्टूडेंट्स, किसान ने अपने बालक से, अपने पुत्र से कहा मैं तुम्हें कल एक पुस्तक दूंगा। इस असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम सेड और टू को टोल्ड में बदल देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे द फार्मर, सेड और टू के जगह पर होएगा टोल्ड, हिज सन कनेक्टिव, हम यहाँ क्या लगाएंगे दैट लगाएंगे, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, यह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट द फार्मर है तो यहाँ ही हो जाएगा, माई फादर होता तो भी ही होता, माई ब्रदर होता तो भी ही होता। अब सेल का हम क्या लिखेंगे, शूट कर देंगे, मैंने यहाँ लिखा है कि सेल का शूट कर देंगे बट विल का उड कर देंगे, बट यहाँ देखें जब आई यहाँ लिखा जाएगा तब सूड होगा, अब हम यहाँ ही लिख दिए हैं तो
तो आई और विल के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। तो जब आई हमारा बदल गया ही में, तो हम ही के साथ विल लगाएंगे तो विल का उड हो जाएगा। तो हम यहाँ उड लिखेंगे, या हम लिखेंगे ही उड, गिव अ बुक, और यह हमारा टुमारो अन्य परिवर्तन है। तो टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा। स्टूडेंट्स आगे देखें, यदि आपको शुड मिल जाए तो आप जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखें, द मैन टेल अ लाई, आदमी ने कहा उन लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम लिखेंगे द मैन, सेड का सेड ही रहेगा, बीच में कनेक्टिव दैट लगाएंगे, दे हमारा थर्ड पर्सन है तो दे हो जाएगा, इसमें नो चेंज होगा। अब शुड है तो शुड में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, शुड का शुड ही लिखेंगे, हम यहाँ नॉट लिख देंगे, उसके बाद टेल अ लाई। तो इस तरह से आप यह समझे कि यदि डायरेक्ट नरेशन के में यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में शुड मिलेगा तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, शुड का शुड हमारा लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट देखें, विल दिया हुआ है, अगर आपको विल मिलता है, ही सेड, वह कहा राम विल गो टू टू कानपुर। यहाँ सेड हमारा है ऑब्जेक्ट, इसमें नहीं दिया है तो ही सेड का सेड ही रहेगा, कनेक्टिव हमारा दैट हो जाएगा, राम थर्ड पर्सन है तो राम ही रहेगा। यहाँ किसी व्यक्ति का नाम थर्ड पर्सन होता है राम। विल का हमारा उड हो जाएगा क्योंकि यहाँ राम के साथ विल है, तो यहाँ भी राम ही हम लिखे हैं, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो राम के साथ विल होगा तो विल का उड हो जाएगा। उड गो टू कानपुर, उड गो टू कानपुर। नेक्स्ट को देखते हैं, उड है, यदि आपको उड मिलता है डायरेक्ट नरेशन में तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे, उड का उड ही रहेगा। सी सेड टू हिम यू उड डू दिस, यू वुड डू दिस। यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड और टू किस में परिवर्तित होता है, टोल्ड में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी टोल्ड हिम, बीच में कंटी का लगाएंगे दैट, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट हिम है तो यहाँ क्या हो जाएगा ही, और वुड में कोई चेंजिंग नहीं तो वुड होगा डू, और दिस का हमारा दैट हो जाएगा, यह अदर चेंजेज है, अन्य परिवर्तन है, दिस होने पर दैट कर देंगे, अदर चेंजेज है। तो इस तरह से आपने यह समझा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको उड मिलेगा तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम उड का उड ही रहने देंगे। स्टूडेंट्स जो हमारे 5 चेंजेज होते हैं, इन 5 चेंजेज में से हमारा केवल चेंज इन टेंस नहीं होगा, बाकी जो हमारा है वह सारा चेंजिंग होना है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, अगला हमारा क्या दिया है, कैन दिया है, तो कैन मिलेगा तो उसका कुड कर देंगे। द स्टूडेंट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ऑब्जेक्ट नहीं है, ओनली सेट दिया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स, सेड है तो सेड का सेड ही होगा, कनेक्टिव क्या लगाएंगे दैट, वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के ऊंचा बन देंगे, सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है, संख्या यहाँ 2 से ज्यादा है तो 2 से ज्यादा होने पर दे हो जाता है, याद रखें, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब कैन का क्या लिखेंगे हम यहाँ, कुड, पुनः क्या होगा साल, और दीज का हो जाएगा दोज, यह अदर चेंजेज है, फिर हम लिख देंगे क्वेश्चंस, दोज क्वेश्चंस। आपको फोकस इस पर करना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सैल होगा तो उसका शुड हो जाएगा, जबकि शुड होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, विल होगा तो वुड होगा,
और उड़ होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, कैन होगा तो कुड लिख देंगे, कुड होगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, मैं होगा तो माइट कर देंगे, और माइट होगा तो छोड़ देंगे उसको, ज्यों का त्यों हम लिख देंगे, बाकी जो हमारा चेंजेज है वह कॉमन रहता है। और यदि आपने मेरे सभी वीडियोस को देखे होंगे तो अब नरेशन आपके लिए काफी आसान हो गया होगा। सेंटेंस देखें, आई सेड आई कुड डू इट इजली, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड सेड ही होगा, हम क्या लिखेंगे आई और सेड का सेड लिखेंगे, बीच में कनेक्टिव क्या लगाते हैं दैट, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट आई है तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे आई, आई हमारा कहीं भी लिखा जाएगा तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और कुड है तो कुड का कुड ही होगा, आई कुड, डू का डू और इट, उसके बाद ई ए एस आई एल वाई इजिली। नेक्स्ट देखें, द टीचर सेड टू मी यू मे गो नाउ, नोटिस आपको क्या करना, मे पर मे दिया तो मे क्या होगा माइट हो जाएगा, और जबकि नरेशन में जब माइट दिया होगा पहले से ही तो इन एड बदलेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो इसको देखें, द टीचर सेड और टू की जगह पर टोल्ड मी, बीच में कनेक्टिव क्या लगाएंगे दैट, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का आई और मे का क्या हो जाएगा माइट, गो का गो होगा, नाउ का अब तो इसका क्या हो जाएगा देन, ये हमारा अदर चेंजेज है, नाउ किस में परिवर्तित होता है देन में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट देखें, वी सेड वी माइट हैव गॉन होम, या मे का पास्ट माइट है, माइट के साथ जब हैव होगा तो वी थ्री हो जाएगा, अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या लिखिएगा, वी सेड का सेड होगा, बीच में कनेक्टिव क्या लगाएंगे दैट, ही इज थर्ड पर्सन हियर, नो चेंज तो ही होगा, माइट का माइट होगा, और यदि आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बताया गया है इज एम आर वाजवर में, वाजवर हैड बीन में, डू नॉट डज नॉट डिड नॉट में, और हैज और हैव हैड में, तो आप कहेंगे यहाँ हैव दिया है तो इसको आप हैड में कर दें तो आपका इनकरेक्ट होगा, यहाँ इसके पहले देखें माइट के साथ आया हुआ है, किसी भी मॉडल के साथ जब हैव आ जाएगा तो हम उसको हैड में परिवर्तित नहीं करेंगे, तो यहाँ हमारा हैव का हैव होगा और गॉन और होम का होम लिख देंगे, तो ये हमारा रहा माइट का। मस्ट का देखिए, मस्ट का एक यूज देख लें, मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा, क्या कहा, यू मस्ट डू दिस, तुम्हें इसको अवश्य करना चाहिए, मस्ट का मतलब क्या होता है अवश्य चाहिए, तो क्या हो जाएगा मोहन सेड और टू किसमें कन्वर्ट होगा टोल्ड में, ऑब्जेक्ट दिया है टोल्ड, पुनः क्या लिखेंगे सोहन, बीच में कंडी क्या लगा लगाएंगे दैट, ऑब्जेक्ट हमारा है इसलिए टोल्ड बदला है, और यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ लेंगे, सोहन है तो सोहन का क्या होगा ही होगा, पुरुष है तो ही, स्त्री होती है तो सी होता, मस्ट है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मस्ट का मस्ट ही रहने देंगे तो ही मस्ट डू, और दिस का क्या लिख देंगे दैट लिख देंगे। नेक्स्ट देखें, आर्ट दिया है, आर्ट का मतलब भी होता है चाहिए, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, और शुड का मतलब भी होता है चाहिए, तो नेक्स्ट यूज हमारा आर्ट का है, आर्ट वाले को देखें, हेल्प द पुअर, रवि को गरीबों की मदद करनी चाहिए तो सी का सी होगा, सेड ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट इज मिसिंग हियर, देन वी राइट सेड एंड कनेक्टिव दैट, रवि थर्ड पर्सन हियर तो रवि का रवि होगा, और आर्ट टू में कोई परिवर्तन नहीं तो आर्ट टू लिखेंगे, पुनः हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर ही लिख देंगे। सेंटेंस देखिए, रमन सेड आई नीड नॉट वरी, रमन ने कहा मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर, आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट के बाद जो हमारा वर्ब होता है उसके पहले टू नहीं लगाएंगे, इन्फिनेटिव का सेंस आता है बट यहाँ बेयर इन्फिनेटिव होता है, तो रमन
ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड होगा, कनेक्टिव बीच में क्या लगाएंगे दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे रमन है तो यहाँ क्या होगा ही, और नीड नॉट है तो नीड नॉट ही लिखा जाएगा, वरी लिखेंगे। बीच में जो हमारा नीड है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। नेक्स्ट देखें, आई सेड आई यूज टू प्ले क्रिकेट डेली, तो आई सेड का सेड ही होगा, कनेक्टिव यहाँ नहीं है क्या लगाएंगे दैट, आई फर्स्ट पर्सन तो आई होगा, और यूज टू पहले से है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट और डेली, इस तरह से यह इंडियाइट बनकर के कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूँ, यह जो है एक वीडियो एक सीरीज से होता है, ऐसे सेंटेंसेस नहीं मिलेंगे कि एक सेंटेंस आपको कहीं और का हो, दूसरा सेंटेंस कहीं और का हो। एकदम मैंने आपको जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू किया है, तो आप बेहतर ढंग से पढ़िए। आप प्लेलिस्ट से जाकर के एक एक चीज को देखिए तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें ताकि मैं समझ सकूं कि आपको और क्या हाँ नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्या और जो है पढ़ना है, या कौन सा वीडियो मुझे अपलोड करना है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम नए वीडियो में नए लेसन के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।